गाइज हम आ चुके हैं HBTU के आपके सेकेंड कैंपस में, जो कि आपका मेन कैंपस है, लमसम 2.5 किलोमीटर दूर है और ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है। प्रेसिडेंट यहाँ पे विजिट करे थे आके, तो इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है और नया ऑडिटोरियम भी यहाँ पे बनाया गया है। तो अभी ये सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और ये एंट्रेंस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा HBTU कानपुर भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और अभी अंदर जब चलेंगे तो ऑडिटोरियम भी मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत सुंदर बना हुआ है। चलो भाई आओ। वेलकम टू अवर YouTube चैनल द मिंटा। स्टूडेंट्स आज हम HBTU को एक्सप्लोर करने वाले हैं और HBTU आपका कानपुर में बना हुआ इंस्टीट्यूट है, 1921 का कैंपस है। पहले हम इसे HBTI से जानते थे, इंस्टीट्यूट था, अब ये यूनिवर्सिटी बन चुका है और JEE मेंस से एडमिशन्स लेता है। अर्लियर इट टेक्स एडमिशन UPTU से होता था और UPTU में बहुत अच्छी आपकी जब रैंक होती थी तभी आपको HBTU में एडमिशन मिल पाता, मतलब एक भाई एक सपना होता था। अभी क्या है, JEE मेंस से आप एडमिशन्स ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाता है JEE मेंस में। इस बार स्पॉट काउंसलिंग है बच्चों, आपको 5 से 6 लाख रैंक तक में आराम से JEE मेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिल गया है HBTU में। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आज आ चुके हैं और यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, तो HBTU को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा कानपुर का माहौल भी देखेंगे, बच्चों से पूछेंगे जो बाहर से आए हुए हैं, अदर आपके डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनसे भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को और इंटरेक्टिव बनाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और HBTU को भी पूरा देखना है अगर आप घूमना चाहते हैं HBTU कैंपस को। सो डियर, हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर HBTU के और ये केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तो केमिकल के बारे में सबसे पहले बताइए और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है कंदर्प त्रिवेदी, मैं सेकेंड ईयर केमिकल का स्टूडेंट हूँ और मैं यहीं कानपुर का लोकलाइट हूँ, बट मैं यहाँ हॉस्टल लिए हुआ हूँ। और अगर HBTU में केमिकल की बात करें तो HBTU, अगर किसी को नहीं पता हो, तो इंडिया का 7th इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, अगर आप मतलब सबसे एस्टैब्लिशमेंट में 7th इंस्टीट्यूट था। और केमिकल जो है वो कहा जाता है कि यहाँ पर IIT से भी बढ़िया है, IIT से भी अच्छी है, GRI जो सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, IIT कानपुर से भी आपका ये पुराना HBTU। हाँ, IIT कानपुर हमारे यहाँ जो कैंटीन आप पीछे देख रही हैं, यहीं पर 1985 तक इसी के कैंपस में बच्चे पढ़ते थे, IIT कानपुर के मदर इंस्टीट्यूट है यहीं के, यहीं से निकला हुआ है। और HBTI जिसको लोग कहते हैं वो एक अलग इंस्टीट्यूट, लीग से अलग है। आप IITs NITs बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अलग काउंट करिए और HBTI अलग काउंट करिए। यहाँ इंडिया मार्ट का अगर आपने नाम सुना हो तो वहाँ के फाउंडर, फिजिक्स वाला का नाम सुना हो तो यहीं के फाउंडर हैं। और जो यहाँ पर आपको 4 साल में सीखने को मिलता है वो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं के इंस्टीट्यूट में नहीं सकता, क्योंकि यहां पर आपको सब चीज मिलती है, आपको सीनियर इंटरेक्शन, आपको फैकल्टी, यहां पर आपको बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको खुद अपने आप क्रिएट करना पड़ेगा। तो लाइफ जीना सिखा देता है, जो HBTU में सस्टेन कर लिया 4 साल, वो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर रह ना सकता, सब कुछ आपको सीखना होता है। रही बात प्लेसमेंट की, प्लेसमेंट आपके ऊपर है, यहाँ पर 60 लाख वाला प्लेसमेंट भी जाता है, यहाँ पर 4 लाख वाला प्लेसमेंट भी जाता है, यहाँ पर फुल 100% प्लेसमेंट भी, यहाँ पर 10% प्लेसमेंट भी है। अगर मुझे प्लेसमेंट लेना होगा HBTU मुझको प्लेसमेंट दिला देगा, अगर मुझको बिजनेस करना होगा HBTU मुझको बिजनेस करवा देगा, अगर मुझको IAS बनना होगा तो HBTU आपको इतना फ्री टाइम देता है 4 साल में कि आप पूरी मन से तैयारी कर सकते हो, आपको कोई लोड नहीं मिलेगा। ओके डियर, एक डाउट हमारे स्टूडेंट्स और पूछते हैं, जैसे किसी भी कैंपस को वो ऑप्ट करते हैं तो पहला डाउट उनके मन में आता है कि जैसे मैं गेट की तैयारी करूंगा या मुझे PSCU की तैयारी करनी, तो मुझे कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग मुझे अवेलेबल है कानपुर में? कानपुर में स्वरूप नगर में बहुत सारी कोचिंग, उत्कर्ष अकेडमी है और गेट की बहुत सारी अकेडमी है, बट HBTU का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, मैं केमिकल का हूँ तो केमिकल का बताता हूँ, जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है, अगर किसी ने यहाँ पर पढ़ लिया तो उसको कोई जरूरत नहीं है कोई भी कोचिंग करने की। AIR 11 AIR 10 ऑल, हर साल AIR 10 के अंदर हमारे कॉलेज के कम से कम 2 से 3 बच्चे होते हैं बिना किसी कोचिंग के केमिकल के। हाँ, तो मतलब गेट के लिए तो कोई भी आपको जरूरत ही नहीं पड़ती अगर केमिकल को, आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो आपका ऑल ओवर सब हो जाता है। बहुत अच्छी बात बताई है गाइज, अगर आप HBTU में एडमिशन लेने का प्लानिंग पूरा पूरा कर चुके, क्योंकि इस साल आपको JEE मेंस की लमसम 4 से 5 लाख रैंक तक स्पॉट काउंसलिंग में आपको HBTU अलॉट हुआ है गाइज, और आप इसको में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आप गेट की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं। ये बच्चा हमें बता रहा है सेकेंड ईयर में पढ़ता है। एक जो पॉइंट है, लोगों को लगता है कि HBTU में लोअर रैंक तक मिल जाता है तो शायद कॉलेज अच्छा ना हो, उसका एक रीज़न है, शायद लोगों को नहीं पता कि HBTU सिर्फ UP के बच्चों के लिए है।
जिस दिन अगर ये ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को लेने लगा उस दिन यहाँ के बच्चों को ये 4 लाख 5 लाख रैंक वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, तो ये जो लोग कहते हैं कि लोअर रैंक वाले को मिल रहा है तो कॉलेज अच्छा नहीं, हम लोग की किस्मत अच्छी है कि हम लोग सिर्फ यूपी के लिए है HBTU, तो हम लोग को मिल जाता है कॉलेज, तो ये कोई मत सोचे कि HBTU, और HBTU में लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे कॉलेज में 3 ऑडिटोरियम है, तीन, किसी कॉलेज में 1 ऑडिटोरियम होता है, यहाँ पर 3 ऑडिटोरियम है, यहाँ पर जिम है, यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है, बस आपके ऊपर है आपको लेना है कि नहीं लेना है, भरोसा नहीं। हॉस्टल वगैरह सब हॉस्टल, यहाँ का खाना है, लोग कहते हैं हॉस्टल का खाना बेकार होता है, यहाँ का खाना खा लो आप किसी रेस्टोरेंट का खाना नहीं मिलेगा, इतना अच्छा खाना है यहाँ पर। भाई पहली बार एक बच्चा बता रहा है कि हॉस्टल का खाना अच्छा है, तो ऑब्वियसली अच्छा हॉस्टल लिया था मैंने, लोग पूछते हैं कि कानपुर के हो उसके बाद भी हॉस्टल लिया, हॉस्टल लाइफ जो है यहाँ की वो बहुत अच्छी है। तो आप घर का खाना मिस कर रहे हैं? नहीं, मैं जब तक हॉस्टल में था मुझे घर का, कानपुर में आप रह रहे और हॉस्टल का ही खाना आप पसंद करते हो? मैं मिस करता हूँ हॉस्टल वाला खाना, नहीं मिल रहा वो टेस्ट, नहीं मिल रहा, बहुत अच्छा है यहाँ का खाना। चलो ये था इनका रिव्यू, और अब हम बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी रिव्यू वन बाय वन लेंगे, बट अभी हम चलते हैं कैंटीन की तरफ और थोड़ा कैंटीन को भी देख लेते हैं कि कैसी हमारी HBTU की कैंटीन। ये पेंट टेक्नोलॉजी में गाइस पढ़ती हैं और ये हमें पेंट के बारे में बताने वाले हैं, एंड पहले आप अपना नाम बताइए डियर, एंड आप कहाँ को बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश में, एंड मुझे ये बताइए कि जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने पेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑप्ट की, तो उनके लिए क्या फ्यूचर स्कोप यहाँ पे हो सकते हैं? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एवरीवन, आई एम निकिता अरोड़ा एंड आई एम फ्रॉम सेकेंड ईयर पेंट टेक्नोलॉजी ब्रांच एंड आई बिलोंग टू लखनऊ, और मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ, गंगोत्री हॉस्टल। तो लाइक फर्स्ट ईयर को तो मैं बस ये बोलूँगी हॉस्टल ठीक है, खाना भी अच्छा है, लाइक जैसा आप एक्सपेक्ट करके आओगे कि गवर्नमेंट कॉलेज है और अच्छा नहीं मिलेगा ये वो, खाना वगैरह तो अच्छा है, बाकी थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, लाइक लग्जरी तो कहीं नहीं मिलेगा। बाकी स्पेसिफिकली पेंट टेक्नोलॉजी के लिए तो HBTU का पेंट इज़ फेमस, लाइक आप कहीं पर भी सर्च करोगे क्योरा एंड ऑल कहीं पर भी, तो पेंट तो अच्छा आएगा, यहाँ का प्लेसमेंट भी ओवरऑल अच्छा जाता है, लाइक अगर आप एलिजिबल हो तो आपका हो जाएगा। तो पेंट स्पेसिफिकली HBTU की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये ब्रांच पूरे इंडिया में शायद 2-3 इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आपकी फैकल्टी है, आपके जो सीनियर्स हैं, वो आपको क्या गाइड करते हैं कि मतलब आपको पेंट से आगे कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे स्कोप आपके क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसा आपको गाइडेंस, ऐसा आपके कोई मेंटर्स हैं यहाँ पे? लाइक यहाँ का एक तो एलुमनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो सीनियर्स हैं या मैंने बहुत लोगों से वाया लिंक्डइन अप्रोच किया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। लाइक पेंट के बाद हम MS वगैरह के ऑप्शंस हो जाते हैं, कोटिंग्स एंड ऑल, तो लाइक फ्यू ऑफ दी एलुमनाई आर वर्किंग इन अ ह्यूज MNCs लाइक टेस्ला एंड ऑल, दे आर इन US। तो पेंट का कोर ब्रांच में बहुत ही अच्छा है, अगर इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं, बाकी बहुत लोग स्विच भी कर लेता है। बाकी आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है, नॉट बैड नॉट गुड, इट्स ओके, इट्स ओके। ओके, मतलब यू आर इन्जॉइंग हेयर कम्प्लीटली, एंड BTech को आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपनी डिग्री यहाँ से लेके अपनी पूरी जाने वाली हैं, एंड आगे बहुत अच्छा कुछ करने वाले, राइट? थैंक्स। हाँ जी, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट डियर, एंड द मेंटा वेरी, गॉड ब्लेस यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर अब हम ऑयल टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, और सेकेंड ईयर में ये स्टूडेंट पढ़ते हैं और ऑयल टेक्नोलॉजी इनकी ब्रांच है, एंड ये अपने कानपुर में ही रहते हैं और यहाँ से अप डाउन करते हैं HBTU में। तो कानपुर से आप अप डाउन, जैसे आप यहीं पे आप रह रहे हैं और आप यहाँ पे कॉलेज आते हैं, तो आपको कैसा मतलब फीलिंग कैसा आता है? आप यहाँ हॉस्टल में भी नहीं रहते, बट आप बता रहे हैं जैसा कि मैं यहीं पे ऑल टाइम रात तक रुकता हूँ, तो आपको ऐसा घर में आपको नहीं बोलते कि जल्दी आइए बेटा, आपको ऐसा क्या यहाँ पे मतलब अटैच करता है इतना रात तक आप रुकते हैं? लाइक एक वाइब्स मैच कर जाती है, तो लाइक कॉलेज के साथ एक वाइब अटैचमेंट कुछ ज़्यादा हो गया आपका कॉलेज, मतलब आपको कॉलेज ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है? मीन्स जी जी जी, घर से ज़्यादा आपको यहाँ टाइम स्पेंड करना? या एक्चुअली ओके, ऑयल के बारे में कुछ बताइए। ऑयल के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो यहाँ की ब्रांच है वो लाइक लोग ऐसा सोचते हैं कि वो पेट्रोलियम के बारे में होगी ऑयल टेक्नोलॉजी, तो ऐसा सही नहीं है। जो यहाँ की ऑयल की जो ब्रांच है वो मोस्टली वेजिटेबल ऑयल और जो ईडेबल ऑयल रहते हैं उन पे फोकस्ड है, तो उसी की पढ़ाई और यहाँ पे होती है ऑयल टेक्नोलॉजी हमारे डिपार्टमेंट में। एंड रिसेंटली अभी ऑयल का डिपार्टमेंट ही है जिसने 100 साल कॉलेज में कंप्लीट किए हैं। ओके, तो ऑयल से रिलेटेड कंपनीज या फिर आपके यहाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं? जी जी जी, हमारे यहाँ एक एसोसिएशन है नेम एज OTAI, जिसमें कई सारे फंक्शंस उसी से रिलेटेड हैं, जैसा ऑयल में और जो भी डेवलपमेंट करने हैं या और रिसर्च फील्ड अगर ओरिएंटेड मैं बात करूं तो उसमें उस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट होते हैं, एंड लाइक काफ़ी वो अच्छे प्रोग्राम्स रहते हैं। ठीक है,
और आप कुछ HBDU के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अपने कुछ ऐसे रिव्यूज़ जो आपको लगता है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ जूनियर्स को, या फिर अदर स्टेट में जो स्टूडेंट्स ऑप्ट कर लेते हैं कॉलेजेस, HBDU नहीं ऑप्ट करते हैं, कानपुर छोड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि HBDU आपको ही पता चल चुका है कि ज़्यादा रैंक पर मिल रहा है इस समय, JEE मेंस की रैंक के थ्रू मिल पा रहा है, तो आप कुछ उनको एडवाइस करना चाहते हैं? ओवरऑल जो मेरा HBDU को लेके जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कम रैंक पे मिल रहा है, ज़्यादा रैंक पे मिल रहा है तो बेकार कॉलेज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं एंड ऑप्ट कर सकते हैं, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो थम्स अप। ओके, और फेस्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, लेकिन मैं अपने सीनियर से सुना हूँ कि काफ़ी अच्छे रहते हैं, मेरा तो ऑनलाइन में ही कट गया। ओके, बच्चों का एक साल ऑब्वियसली ऑनलाइन ही कट गया, कॉलेज देख नहीं पाए हैं, तो कोई बात नहीं, इस ईयर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा जाने वाला है HBDU में। आई होप कोरोना या ऐसा कुछ भी वेरिएंट ना आ जाए यहाँ पे, जिससे कि हमें फिर से लॉकडाउन में जाना पड़े। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ईयर। थैंक यू मैम, थैंक यू। स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास HBDU के जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सारे बच्चे अभी यहाँ पे मौजूद हैं और सब अपना यहाँ पे रिव्यू देने वाले हैं ट्रू, कैसा उन्हें HBDU में लग रहा है और वो क्या सोच के HBDU अपना पूरा टाइम यहाँ पे 4 साल का बीटेक जो अपना करें, क्योंकि सभी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं और सभी जो HBDU में पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली वो अदर स्टेट में भी जा सकते थे, सभी ने JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया था बट HBDU को ही ऑप्ट किया उन्होंने, तो ये क्या रीज़न था और सबके हम रिव्यू देखेंगे, उन क्या वो सक्सेसफुल हो पाए अपने यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेके, उन्हें अच्छा लग रहा है, क्या उनको लग रहा है, अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहते हैं, तो जानते हैं वन बाय वन सभी बच्चों से। ठीक है, पहले हमारे स्टूडेंट है ओमजी अवस्थी, जो कि अभी थर्ड ईयर में है और वो बताने वाले हैं HBDU के बारे में। हेलो मैम। हेलो, माय नेम इज ओमजी अवस्थी, थर्ड बीटेक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो ओमजी ये बताइए कि आप जैसे सीनियर मोस्ट हैं इस समय, फोर्थ ईयर अभी आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो आपको HBDU में कैसा लग रहा है? आपने सिर्फ HBDU की ऑप्ट, जैसा कि मुझे पता है आपकी JEE मेंस में रैंक भी अच्छी आई थी, आप चंडीगढ़ भी जा रहे थे, पर आपने HBDU की ऑप्ट किया। एक्चुअली पापा ने मुझे कहीं भेजा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, और मुझे कानपुर ही लेना था, इसलिए HBDU कानपुर। कानपुर में और कोई कॉलेज भी नहीं है PSIT के अलावा, तो कानपुर ही में। ओके, तो आपका क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप आए, ठीक है, HBDU में, अब आपको यहाँ पे घर से भी अप डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आप हॉस्टलर क्या रहा, हॉस्टल की लाइफ को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं? हाँ, हॉस्टल लाइफ मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मतलब जैसे मेरे बाकी जो दोस्त लोग हैं वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं, मैं 5 बजे के बाद यहाँ रुक भी नहीं पाता हूँ, 5 बजे के बाद फ़ोन आ जाता है मेरा तुरंत, तो मुझे घर जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप अभी फर्स्ट ईयर में जो आए हैं, कल ही बच्चे फर्स्ट क्लास लिए हुए हैं, अपनी इंडक्शन प्रोग्राम अभी हुई है, तो उनको क्या बोलना चाहते हैं, HBDU को क्या बताना चाहते हैं आप उनको? ठीक है, बीटेक है, चिल करो। यही बोलना चाहूँगा और बाकी सब खुद सीख जाएंगे धीरे धीरे। ओके, तो मतलब आपको यहाँ मज़ा आ रहा है टोटल ओवरऑल? ठीक ही ठीक है, ज़्यादा कोई खास मज़ा भी नहीं है और ऐसा कोई ख़राब भी नहीं लगता है। अच्छा, आपको जैसे UIT चंडीगढ़ मिल रहा था, क्या आपको लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया यहाँ आके? हाँ, थोड़ा सा हॉस्टल लाइफ नहीं मुझे मिली, ये बस, हाँ यही मिस किया। बाकी प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताएं? प्लेसमेंट की तो यहाँ बात नहीं करता मैं, प्लेसमेंट से दूर दूर का मेरा कोई नाता ही नहीं है। क्यों? बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल, हाँ। तो बाकी ब्रांचेस के प्लेसमेंट है? हाँ, बाकी ब्रांचेस के हैं, जैसे CSIT में अच्छा प्लेसमेंट है और जैसे आप बच्चों से बात करेंगे CSIT वालों से। ओके, तो ऑयल पेंट लेदर जैसी यहाँ पे ब्रांचेस जो हैं, तो इनका भी प्लेसमेंट, जो इनकी कोर इंडस्ट्रीज है, कोर फील्ड्स है, तो ये भी आपकी कंपनीज तो यहाँ विजिट करती हैं डियर? हाँ, विजिट करती हैं, बट प्लेसमेंट ठीक है, मतलब कोई ऐसा अच्छा रेशियो नहीं है प्लेसमेंट्स का। ओके, एंड ओवरऑल मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट आपको प्लेसमेंट हुआ, FT का अच्छा प्लेसमेंट है इस बार। अच्छा, तो ये हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं HBDU का, ऑब्वियसली ये ट्रू रिव्यू देंगे गाइज, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, अभी और बच्चों के हम रिव्यू यहाँ लेने वाले हैं। गाइज, अब हम आ चुके हैं यहाँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में HBDU के, और अभी हम यहाँ पे एंट्री से आए थे, अब हम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। ऑडिटोरियम हमारा अभी इस समय बंद चल रहा है, अगर वो ओपन हो जाता है तो वो भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, तो ज़्यादा कोई ऐसा बहुत खास ऑडिटोरियम भी नहीं है, बट हाँ ठीक है, मीडियम मीडियम। अभी हम बच्चों के भी रिव्यूज़ लेंगे, स्टूडेंट्स भी बताएंगे कि हमें यहाँ पे कैसा लग रहा है कॉलेज में, कैसा हमें स्टडी का स्ट्रक्चर लग रहा है, एंड थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर सारे स्टूडेंट्स अभी हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं, सारे इस कैंपस में इस समय स्टडी चल रही है ऑफलाइन एंड क्लासेस चल रही हैं। सो ये रहा आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आगे हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो भी मैं अभी आपको शो करूंगी, और राइट हैंड में हमारा कैंटीन है, तो कैंटीन में भी अभी हम चलेंगे और भूख लगेगी तो हम साथ में बैठ के खाएंगे। ठीक है,
गाइज हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में HBDU के और हमें यहाँ पे दो नए यूट्यूबर्स मिले हुए हैं, आस्था चौहान एंड CP विद अनुभव, इनका चैनल है, अभिनव नाम है इनका, और अभी ये दोनों हमें रिव्यू देंगे HBDU के बारे में और अपने चैनल के बारे में भी बताने वाले हैं। सो एक ये बस एक कोइंसिडेंस है गाइज और हम इनके बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट माय चैनल, आई मेनली कवर दी व्लॉग्स एंड दी पॉडकास्ट एंड समटाइम्स आई शेयर माई एक्सपीरियंस कि कॉलेज में कैसा चल रहा है और मतलब जो अपने एक्सपीरियंस से कि जो गलती की है वो सब बताएं स्टूडेंट्स को, उनको मतलब अपना एक्सपीरियंस बताएं और उनको ताकि वो आगे वो चीज़ ना करें और उनको क्या करना चाहिए वो पता चले। ओके आस्था, और आप अपने चैनल के बारे में हम यहाँ पे लिंक भी शेयर कर देंगे अगर आप चाह रहे हो। ओके हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव अवस्थी, सेकेंड BTech इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मेरा चैनल CP विद अभिनव नाम से है जहाँ पर मैं कोडिंग और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बेसिकली वीडियोस शूट करता हूँ और उसमें आपको जो भी गाइडेंस है कोडिंग के रिगार्डिंग, अगर आप IT या CS ब्रांच लिया होगा, आपको कोडिंग करना होगा फ्यूचर में, उसके रिगार्डिंग जो भी वीडियोस हैं सॉल्यूशंस है वो मैं अपलोड करता हूँ, साथ में जो मैंने गलतियाँ की जो भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ वो वहाँ पर वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। ओके भाई स्टूडेंट्स, अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो आप इनके चैनल पे जा सकते हैं और अगर आप व्लॉग्स देखना चाहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ये व्लॉग्स कर बनाते हैं, तो आप इनके व्लॉगिंग चैनल को ज़रूर देखिएगा। और बाकी हम HBDU को जितना हम आपको दिखा सकते हैं गाइज हम अपने चैनल पे ज़रूर दिखाएंगे इस वीडियो पे। तो बस एंड तक इस वीडियो को क्या करना है, देखते रहना है और वीडियो को लाइक भी करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है भाई। अभी हम बच्चों सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कवर करते हुए पढ़ रहे हैं आगे मैकेनिकल की तरफ। ये हमारा आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और उसको भी अभी हम लोग देख लेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और ये पार्किंग एरिया भी, बच्चे यहाँ पे अपनी सारी 2-व्हीलर्स खड़ी करके अंदर क्लासेस में ले सकते हैं जाके, तो ये भी थोड़ा सा ईजी है आप सभी के लिए। एंड कई सारे कॉलेजेस में हमने देखा है कि थोड़ा सा दूर रहते हैं हमारे क्लासेस और कैंपसेस और यहाँ पे हमारा अभी पास में है तो हम क्लास में जा सकते हैं गाइस। पुलकित जैन इनका नाम है, 3rd ईयर में डियर ये पढ़ते हैं गाइस, तो अभी ये बताने वाले हैं HBDU के बारे में और अपना रिव्यू शेयर करने वाले हैं पूरा। मैम अगर जैसे कि आप अगर UP में आई हैं, ठीक है, UP में अगर आप JEE मेंस दे के आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको सबसे पहला कॉलेज जो टारगेट करना चाहिए वो यही बनता है हम लोगों के लिए ले देके, ठीक है, बस यही JEE मेंस के थ्रू, अगर बाकी तो अच्छे कॉलेजेस हैं ही, अगर आप IIT NITs मतलब अगर... ये आपने ड्रीम आपने देखा था इस वीडियो में आने का कि आपकी प्लानिंग कुछ और ही थी? मेरी प्लानिंग नहीं थी ये मैम, जस्ट बिकॉज मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आ पाई JEE एग्जाम देने के बाद जो मुझे यहाँ बैठना पड़ गया। अच्छा जी, आपकी रैंक क्या थी वैसे JEE मेंस में डियर? मैम मेरी 45,097 रैंक थी। 45,000, तो JEE मेंस में अगर आपकी 45,000 रैंक थी तो ऑब्वियसली आपको NITs या IIITs में भी एडमिशन मिल रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, तो HBDU के बारे में आपको मतलब कैसे आपको क्लिक किया कि मैं HBDU में ही एडमिशन लेना चाहता हूँ? मैम अगर यहाँ का एलुमनाई पूरा आप देखिए, अगर आप एक बार उसके सारे चीज़ें देखेंगी तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ की जो भी एल्युमिनाई बेस है इस कॉलेज का वो सबसे अच्छा बेस है। नहीं मैं तो देखूंगी और मेरे स्टूडेंट जो देखेंगे वो सीधी सी बात है गूगल में या फिर विकिपीडिया में देखेंगे। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे सेमिनार्स होते होंगे, इनॉग्रेशंस होते होंगे, विजिट्स होते होंगे, सो ये आप स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमें बच्चों को बताइए यहाँ पे। मैम यहाँ हर साल एल्युमिनाइज आते हैं, ठीक है, वो विजिट करते हैं प्रॉपरली कॉलेज में। अभी कुछ ही दिन पहले ही हमारा एल्युमिनाई मीट हुआ था प्रॉपरली, ठीक है, जहाँ पे हमारे एलुमिनाइज आए थे, तो जितने भी बच्चे होते हैं वो उनसे मिलते हैं तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं एलुमिनाइज के थ्रू और एलुमिनाइज बेसिकली अपना सारा कॉन्टैक्ट हम बच्चों के हाथों में दे के जाते हैं। तो जैसे ही हम लोगों को कहीं पे भी दिक्कत आती है किसी भी चीज़ में तो हम लोग डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं और उनके जो भी एक्सपीरियंसड होते हैं तो जो आंसर्स हमारे पास आते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत फ़ायदा करते हैं। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे एलुमिनाइज का बहुत हेल्प सपोर्ट मिल रहा है और आपको सीनियर्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सो ये आपको प्लस लगता है HBDU में? यस मैम। ओके, और आप कुछ और यहाँ पे बताना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं या पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं? यू कैन शेयर। मैम हॉस्टल लाइफ काफ़ी अच्छी है यहाँ पर वो जो है ना वो ओपन नहीं कर सकते उस चीज़ को। वो सब रैगिंग वगैरह हुई थी आपकी? मैम रैगिंग तो नहीं, थोड़ा इंट्रो वगैरह पूछा जाता है ताकि हम लोग भी अपने आप को थोड़ा खोल सकें, सीनियर्स के आसपास जाके बात कर सकें। तो वो ऐसा तो नहीं आपके साथ जैसे 3 इडियट्स में होता था? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, नॉर्मल एक पैटर्न है उसका भी।
उसी सर्कल में रह के ही क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आके जैसे बच्चे डर के आते हैं कि नहीं मुझे सीनियर्स पकड़ लेंगे और मुझे रैगिंग ली जाएगी, ऐसा कुछ माहौल नहीं मतलब नहीं था, ऐसा माहौल था पर जब बात हुई तब ऐसा माहौल मुझे नहीं लगा. ओके मतलब काफ़ी सब इंटरेक्टिव अच्छा माहौल था, मतलब हेल्दी कॉन्वर्सेशन रहा. ठीक है और आप कुछ और इस वीडियो के बारे में समथिंग एल्स और आपको कोई पसंद आया यहाँ पे? नहीं मैम अभी तक, ये तो मैं अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ इस चीज़ को. अच्छा अभी आपकी सर्चिंग जारी है? सर्चिंग जारी है. सर्चिंग जारी है. ठीक है चलो फोर्थ ईयर तक आए हो, एक साल बचा हुआ है तो सर्चिंग खत्म हो जाएगी. बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपने प्लेसमेंट्स में ध्यान दीजिए और आप आई होप शायद अलग से भी आप तैयारी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे गेट या IAS की, तो आपको इसमें भी काफ़ी हेल्प मिल रही होगी यहाँ पे, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर डियर और अपने जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं उनको भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट करिए जैसे आपको आपके सीनियर से सपोर्ट किया है. थैंक यू मैम. सो गाइज आई होप आपको HBDU का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा. हॉस्टल से लेकर आपको पूरा जो हम डिपार्टमेंट दिखाना चाह रहे थे वो HBDU में हमने इस वीडियो पे आपको कवर कर लिया है और ये आपका ऑडिटोरियम है. तो इस एंड में बस मैं ये बोलना चाहूँगी गाइज कि आपको ऐसे जितने भी कॉलेजेस के रिव्यूज़ चाहिए हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिएगा और हमारी टीम को और मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपको काफ़ी अच्छे रिव्यू ब्लॉग्स आपको दे पाए. तो थैंक यू एंड फॉरवर्ड दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है द मिंटा को. बाय बाय.